कर रही है। विपक्षी दलों का सवाल है कि क्या यह महज संयोग है कि इन दोनों एजेंसियों की सबसे ज्यादा सक्रियता उन मामलों में देखने को मिल रही है जिसमें गैर बीजेपी दलों के नेता या मंत्री शामिल हैं। क्या यह भी संयोग है कि पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले दागी नेताओं के मामले में इन एजेंसियों की धार कुंद पड़ जाती है। ऐसे तमाम मामले सामने आए। कई मामलों को अगर ध्यान से देखें तो विपक्ष के आरोपों में आपको दम भी नजर आएगा। और अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार ने इसको लेकर जो रिपोर्ट्स पब्लिश की उससे यह अंदाजा लग जाता है कि हालात कैसे हुए। एक 18 साल का एनालिसिस है और 18 साल के एनालिसिस में भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार है और यूपीए की 10 सालों की सरकार है, यानी 2004 से लेकर और 2022 के बीच में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किस तरह से किया गया इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट एक अंग्रेजी अखबार में छपी। और उसके बाद ये प्रश्न फिर एक बार उठने लगा कि क्या वाकई में इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा कि इन एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने की केंद्र और बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस मामले में अदालतें भी कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए उनकी शरण में जाना समय बर्बाद करना है। यानी अदालतों को भी विपक्ष के लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर नेताओं की सूची बहुत लंबी है। फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है और इसके खिलाफ कांग्रेस और साझा विपक्ष ने एक बयान भी जारी किया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगातार लगते रहे हैं। 3 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार को भी ईडी ने समन भेजा था। शिवसेना सांसद की अगर बात करें तो संजय राउत और अनिल परब पर भी पूछताछ की बात की गई और संजय राउत के खिलाफ एक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले चल रहे हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी बीच अभी हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। ये बयान कुछ लोगों को शायद हजम ना हो लेकिन इस बयान के अपने मायने हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार की घोर आलोचक रही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। 2014 से नेताओं के खिलाफ ईडी का जो इस्तेमाल है वो 4 गुना बढ़ा 8 सालों में और 95% मामलों में निशाने पर विपक्षी नेता रहे। पिछले 18 साल में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में सीबीआई ने जिन 200 राजनेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए उनमें से 80% से ज्यादा विपक्ष के थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। 3 जुलाई को महाराष्ट्र की विधानसभा में वोटिंग जब हो रही थी तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने विधानसभा में ईडी के नारे लगाए और ये कहा कि ये सब केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। उनका आरोप था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने प्रवर्तन निदेशालय के डर से बीजेपी से हाथ मिलाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी विश्वसनीयता किस तरह से सवालों के घेरे में है। 2014 से अब तक यानी पिछले 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल 4 गुना बढ़ा और इन सालों में 121 जो प्रमुख नेता हैं अलग अलग पार्टियों के उनके खिलाफ मामले सामने आए, उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और 115 इनमें से विपक्ष के थे। 121 नेताओं पर कटघरे में ये लोग आए, जांच एजेंसी के दायरे में आए, 115 उनमें से विपक्ष के थे, सिर्फ 6 सरकार के पक्ष के थे या दूसरी पार्टियों के थे। इस तरह एनडीए राज में ईडी की 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हुई। पिछले 18 सालों में ईडी ने जिनको बुक किया है अलग अलग मामलों में या गिरफ्तार किया है या छापेमारी की कार्रवाई की है अलग अलग मामलों में जिनके खिलाफ जांच का कोई रिकॉर्ड है वो आपको ये भी हैरानी की बात है कि इन सालों में जिन 147 प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई उसमें 85% सीबीआई की बात मैं कर रहा हूं वो विपक्ष के थे। यूपीए शासन में अगर ये देखें आंकड़े तो 2004 से 14 में यानी 10 सालों के कार्यकाल में ईडी की जो केस बुक है उसको आज आप एनालिसिस करेंगे और अखबार ने एनालिसिस किया है जिसकी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं,
उसने बताया है कि सिर्फ 26 नेताओं के खिलाफ जांच की गई उस दौरान 10 सालों में, और इनमें से 14 यानी 54% विपक्ष के थे। ईडी के मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यानी पीएमएलए को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन बताया जा रहा है कि एमएलए ही जिम्मेदार है इस पूरे एक्शन के लिए। पीएमएलए 2005 में लागू किया गया था, अगर इसके आप बैकग्राउंड में जाएं, और उसके बाद से कानून का लगातार मजबूत करने का जो प्रयत्न है यत्न है होता रहा। कड़ी जमानत शर्तों के साथ एक्ट का प्रावधान अब गिरफ्तार करने और आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की शक्ति भी उनको देता है। 2014 से किसी विपक्षी दल के कितने नेता ईडी की जांच के दायरे में आए हैं, इसके जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको हैरानी होगी और फिर आपको विपक्ष की बात पर सोचने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। कई नेताओं ने जांच शुरू होने के बाद पार्टी बदल ली, लेकिन तालिका में नेताओं को उन राजनीतिक दलों के तहत सूचीबद्ध किया गया था जिनमें से वो जांच शुरू होने के दौरान वो जुड़े हुए थे। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका उदाहरण ये आप ले सकते हैं। 2014 और 15 में सीबीआई और ईडी ने शारदा चिटफंड घोटाले मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछताछ की। सीबीआई ने 2014 में उनके घर और कार्यालय पर छापेमारी की। तब शर्मा कांग्रेस नेता हुआ करते थे उस वक्त जब सीबीआई ने जांच शुरू की, और उसके बाद वो भाजपा में चले गए। पार्टी बदलने के बाद उनके केस में कोई भी प्रगति नहीं हुई। एनडीए टू के तहत कमलनाथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार समेत तमाम कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के कम से कम 6 रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को जांच के दायरे में रखा गया। केरल के सीपीआईएम नेता कोडियेरी बालकृष्णन के बेटे को भी ईडी की जांच का सामना करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते सोमवार को बीजेपी में शामिल हुए हैं, और उससे पहले आप समझ सकते हैं उनके ऊपर भी इस तरह की जांच के बादल गहरा रहे थे। पिछले 18 सालों में सीबीआई का रिकॉर्ड भी इसी तरह का है। सीबीआई की जांच के निशाने पर ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता रहे हैं। यूपीए में यह आंकड़ा 60% का था, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी 10 सालों में, और एनडीए में यह 95% है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक उस वक्त कहा गया, और ये कहा गया कि ये पिंजरे का तोता है, और भाजपा ने जमाई तक इसको कह दिया था, और इसमें सीबीआई के अलावा आयकर और प्रवर्तन निदेशालय को भी उन्होंने शामिल किया। देश की जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करने के आरोप कोई नए नहीं लग रहे हैं, हमेशा लगते रहे हैं। पिछले 18 सालों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में करीब 200 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारियां की, छापेमारी की और अलग अलग तरह की चीजें की। इसमें 80% नेता विपक्ष के रहे। 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती रही है, और कमोबेश यही हालत जो ईडी के मामले में थी वो सीबीआई के मामले में भी थी। सीबीआई ने 10 सालों में कांग्रेस की जब सरकार थी 4 से 14 के बीच 72 नेताओं को सीबीआई के जांच के दायरे में लिया था, उनमें से 43 यानी 60% नेता विपक्ष के थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 8 सालों के शासन में 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ा, और इसमें 118 विपक्ष के थे, यानी 95%। तो कमोवेश ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार ज्यादा पुख्ता तरीके से रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि क्या वाकई में जो जांच एजेंसियां हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी आज की डिबेट में यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है, बहुत ज्यादा लोगों को हमने नहीं जोड़ा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, हमारे साथ शशिनाथ दुबे हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अनिल झा हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ कांग्रेस से अथर नहीम साहब हैं। आप सभी का बहुत स्वागत आज के राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। पहला सवाल हरिश्चंद जी आपसे है। हरिश्चंद जी, ये जो एक रिपोर्ट है जिसमें कि सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल को लेकर कहा गया कि इसका इस्तेमाल सरकार किस तरह से कर रही है, मैं आपसे इसके ऊपर प्रतिक्रिया चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर पिछले 1-2 महीने में अलग अलग तरह से विपक्ष ने निशाना साधा है, ट्वीट के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, और ये कहा गया है कि इसका इस्तेमाल बहुत बुरी तरह से किया है और क्रूर तरीके से आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश जी, हरीश जी
हरीश जी आप सुन पा रहे हैं? हरीश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। शशिनाथ जी, ये जो मेरा सवाल है और ये आज की जो हमने बहस रखी है वो इसी पे है कि भाई जांच एजेंसियों को ऐसा नहीं है कि पहली बार या एनडीए की सरकार में ही इस तरह से कहा गया कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब इसको लेकर बहुत तरह के स्लोगन बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मुखर होकर इसका विरोध किया, लेकिन आज जब एक डेटा आया और उसका एनालिसिस आप करें तो लगता है कि वाकई में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है या विपक्ष को दबाने के लिए हुआ है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं और आप इसको किस तरह से देखते हैं इस डेटा को? शशिनाथ जी, मैं आपके शब्द के साथ अपना शब्द जोड़ता हूं। जी जी, जो मैं आवाज आ रही? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो सीबीआई या ईडी आज की तारीख में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भी इस विपक्ष ने यही बीजेपी के लोग जो है इन्होंने प्रश्न उठा जो है कई उठाया, पुरानी पत्रिकाएं अब उठा के जो आज की तारीख में नहीं है पत्रिकाएं या बंद हो चुकी है पत्रिकाएं, इलाहाबाद से निकल या माया और मैगजीन आप देख लीजिए, उठा के पुरानी मैगजीन सीबीआई पे देखिए, उस समय ये लोग खुद विपक्ष इतना आरोप लगाता था सीबीआई पे, और यहाँ तक कि जब जोगिंदर सिंह डायरेक्टर सीबीआई के थे तो मैं आपको बताऊं कि उस समय की स्टोरियां चले, पैनल विपक्ष ने ही एक नारा दिया था सीबीआई केंद्र सरकार की लुगाई, ये शब्द जो है यही विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी थी उसमें और बीपी सिंह उस समय थे और जो कांग्रेस जो है कांग्रेस छोड़ के आरोप लगा के गए थे कांग्रेस पे, उस समय उनकी सरकार थी। तो इस तरह से कई बार कई मुद्दे आए। अब आपको मैं और बताऊं कि ईडी आज की ईडी पहले कम सुनाई पड़ता था, लेकिन ईडी आज इतना सुनाई पड़ रहा है कि अब ईडी में ऐसे ऐसे कानून है कि आम जनता भी जानती भी नहीं, नेता भी नहीं जानते, अधिकारी भी नहीं जानते। जब जिसे चाहे, अभी आपने एक जमीन खरीदा और उस जमीन का बाजार भाव है आपका 1 लाख रुपया, लेकिन आपने किसी तरह से मान मनोबल करके अगर उसको 80,000 में खरीद लिया तो ईडी उस पे भी आप पे जांच कर सकती है। अच्छा, आपको याद होगा कि देश के कई पत्रकारों को ईडी ने नोटिस दिया था कि आपके पास कहां से आया कहां से नहीं आया। तो ऐसे ऐसे कानून ईडी का हथियार दिया गया। तो ये आज जो इससे जूझ रहे हैं, मैं कहता हूं जो विपक्ष में है, कभी उन्हीं लोगों ने इसको बनाया था, आज उनपे इस्तेमाल हो रहा था, उन्होंने ही उनपे इस्तेमाल किया था। में ये जो और सीबीआई के बारे में आपको जानकारी होगी, हाँ, इनको पावर जो दी गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि लखनऊ में अभी जो है बीवीआईपी गेस्ट हाउस के आगे एक आईएएस की जो है मृत्यु हो जाती है, जी जी, और वो भी शंका के दृष्टि से, और जांच मेडिकल जांच में उसपे हत्या की तरफ इशारा करता है। सीबीआई को, लोकल पुलिस के अलावा सीबीआई को जांच दी गई। सीबीआई ने अभी कोर्ट में उसकी एक ये लगा दिया था कि हमको कोई इसमें जो है ये दुर्घटना है, जबकि अच्छा। सीधे सीधे है वो, और खुद जो है सीबीआई कोर्ट ने उसको इनकी जो है रिपोर्ट को माना नहीं। कारण है कि उसके पीछे भी कहा जाता है कि बहुत बड़े ताकतवर अधिकारियों के और काकस का कुछ मामला नजर आता है, जो हमारे यहाँ मीडिया में जो चर्चा रहा उत्तर प्रदेश की मीडिया में। तो सीबीआई का एक देखिए, सीबीआई और दूसरी तरफ जो लगाते हैं आज की तारीख, पहले इससे पहले बिहार में आप बिहार चले जाइए, बिहार में इससे पहले सीबीआई और ईडी का प्रयोग एकदम बंद था, और अचानक बिहार में भी सीबीआई और ईडी सक्रिय हो गई। कलकत्ता महाराष्ट्र में उस समय जो है आप देखिए ईडी और सीबीआई का जो है बड़ा जोर था। आज वहां वहां के ईडी और सीबीआई के अधिकारी जो है चद्दर ओढ़ के सो गए। आप आ जाइए राजस्थान, राजस्थान में ईडी और सीबीआई बड़ा सक्रिय है। अब उसके बाद आप मध्य प्रदेश चले जाइए, कुछ दिन के लिए कांग्रेस की सरकार थी, ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गई थी, और उसके आज की तारीख में विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और ये विधायकों को डरा के उनको पार्टी जो है सत्ता पक्ष की पार्टी में शामिल करा रहे हैं, यहां तक आरोप लग रहा है। ऐसा कभी नहीं रहा। तो हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा जो मानना है और कहना है कि इनके अधिकारियों को अपना एक निष्पक्ष रखना चाहिए, जिससे किसी भी सरकार, देखिए
सीबीआई ईडी हो गया, अब हर एक मामले में कहां तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेगा? और लोअर कोर्ट की दशा आप देख ही रहे, लाखों करोड़ों मुकदमे पड़े हैं, उस पर कोई कहीं कुछ हो नहीं पाता है। तो इन संस्थाओं को इन संस्थाओं के अधिकारियों को जो है काफी सोच विचार के इस पे करना पड़ेगा, इनको अपना जो आरोप लगते हैं इससे इनको निकलना पड़ेगा, और इसके लिए जो है ये दिखाना पड़ेगा, हाँ इसके लिए इनको छापा मारना पड़ेगा सत्ता पक्ष के कुछ राज्यों में। ऐसा नहीं है कि आपको याद होगा सत्ता पक्ष में अभी पिछले कुछ अधिकार मंत्रियों को इसलिए दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया कि जो है वो विधानसभा जो उनके उनके ऊपर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, क्या उनके 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 भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो सीबीआई और ईडी को उनके पास जाना चाहिए था। हर अन्य प्रदेशों में भी है जहां पे जो है केंद्र सरकार के पार्टी की जो है सरकार है, तो प्रश्न यही पे विपक्ष इसीलिए प्रश्न उठाता है, और विपक्ष हरीश जी जरूरी है। हरीश चंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी से और बड़े मुखर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी देखिए, ये हरीश जी ने हमारे भी बहुत मुद्दा उठा रखा है पहले भी सीबीआई और ईडी के बारे में, और पहले की ये जो है ये कुछ नहीं करती है। हाँ हरीश जी देखिए, आप आपके ऊपर शशिनाथ जी कह रहे हैं कि जब पहले सरकार थी तो ये कहा गया कि भाई कुछ इसका काम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ये जो आप आंकड़े आए कि आप तो बिल्कुल विपक्ष को रौन दे रहे हैं इन दोनों जांच एजेंसियों से, और इसमें सत्ता पक्ष का एक आदमी नहीं है, सिर्फ 5% लोग। विपक्ष अगर भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, आप मुझे बताइए कि नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब कांग्रेस ने दिया आज तक? और ये कह रहे हैं कि भाजपा सवाल उठाती थी, 50 घंटे नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ हुई थी 50 घंटे, और ये जो नोटों गड्डियां आपके चैनल पे दिखा रहे थे, ये क्या इस भ्रष्टाचार खिलाफ सरकार कार्रवाई बंद कर दे? यदि विपक्ष ये चाहता है भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई न हो, तो सदन में संसद में क्यों नहीं इस तरह का प्रस्ताव लाती? और जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, यदि उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई मामले हैं, तो मैं तो चुनौतीपूर्ण ढंग से कहता हूं कि आखिर विपक्षी दल के मित्र क्यों नहीं प्रामाणिक आधार कोई पेश करते, इन एजेंसियों को दें। ये एजेंसियां तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं कार्रवाई के लिए। तो ये तो विपक्ष को तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है, ये पार्थो चटर्जी के यहाँ जो ये नोटों की गड्डियां है ढेर मिला, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, क्या अन्य जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये विपक्ष अपना स्टैंड लेके जरा क्लियर तो हो, स्पष्ट तो हो, क्यों नहीं वो सदन में प्रस्ताव लाते कि साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर उनको कहीं कोई गलत लगता है तो क्या कोर्ट कहीं चला गया है? और जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, वो चाहे राज्य सरकारें हो चाहे नहीं, लेकिन 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 हरीश जी विपक्ष ये कह रहा है कि भाई विपक्षी दल को कहीं भी ये लगता है कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, तो आखिर ये एजेंसियां सबके लिए स्वतंत्र हैं, आप उनको सबूत दीजिए, उनको प्रामाणिक आधार दीजिए, वो उनके यहाँ छापे भी मारेंगे। अतर नईम साहब देखिए, आप हरीश जी के आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर ऐसा लग रहा है, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, तो फिर एक अलग बात है, आप प्रस्ताव लाइए। वो तो ये कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर, हरीश जी ने कहा है। बड़ी अजीब सी बात, हमारे विद्वान सहभागी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि विपक्ष प्रस्ताव लाए। संसदीय इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विपक्ष ने ऐसा कहा हो या किया हो। खैर, भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने नेशनल हेराल्ड का और गांधी परिवार का और कांग्रेस का जो मुद्दा उठाया, मैं उस पर बात पहले साफ कर दूं कि नेशनल हेराल्ड क्या है, इसको बारंबार अनेकानेक डिबेट से लेकर कोर्ट से लेकर ईडी के ऑफिस में एक हफ्ते लगातार राहुल गांधी जी से, लगभग 50 घंटे से ऊपर सब मिला के, सोनिया गांधी जी से और बाकी लोगों से पूछताछ हुई। अगर ईडी को ऐसा लगता है कि इसमें गलत है,
जबकि कहीं भी इस कंपनी के एक्ट में कहीं भी ऐसा है ही नहीं कि कोई पैसे का लेन देन हुआ हो, कोई पैसे में कोई हेरा फेरी हुई हो। आप कहते हैं कि पैसे के लेन देन हुआ, पैसे सारे शेयर ट्रांसफर हो। श्रीवास्तव जी, जब आप बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला था, मुझे भी कृपया सुनिए। आप यही तो चाहते हैं विपक्ष की आवाज कैमरे पे भी दबाए और ईडी और सीबीआई के माध्यम से भी दबाए, सुनिए। आप खूब बोलिए, मैं सुनिए। आप तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह कानून का पालन करेंगे और कानून के और लॉ के जानकार होंगे। इस कंपनी के एक्ट में कहीं भी रुपए का लेन देन है ही नहीं। ये आपको केवल कांग्रेस को और नेहरू गांधी परिवार को, क्या हो गया, ऑडियो चला गया, वीडियो चला गया, नहीं नहीं नहीं, बदनाम करने का एक कुचक्र था और कर रहे हैं आप। और इसी तरह से आप संपूर्ण, ये अतार नईम साहब शायद आप ही को मालूम होगा ये। जी जी, तो किसी को ये बात मालूम नहीं है। जी जी, केवल कांग्रेस पार्टी को लोन दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने दिया, दोनों में अंतर करिए, अंतर ना करिए। उसके बाद हमारा अखबार था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साथ लेकर चलाया था, अगर वहां के पत्रकारों को पैसा न दिया जाए तो क्या किया जाए। नहीं साहब, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा ईडी को कि साहब वो तो मोतीलाल गोरा देखते थे, हैंडल करते थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। उन्होंने 50 घंटे में केवल इतनी बात तो नहीं कही होगी, 50 घंटे में केवल इतनी बात तो नहीं कही होगी। जी, सारे कागजात जो मांगे गए वो पेश किए, वरना ईडी कह देती। ईडी की तरफ से आप बोलने के अधिकृत कहां से हो गए? देखिए, आपको क्या अधिकार प्राप्त है कि भाजपा को ये अधिकार दिया ईडी ने? क्या बोले, जो भी नेशनल हेरल्ड क्या बोले, संपत्ति थी वो देश की जनता था, देश की जनता ने कंट्रीब्यूट किया। नहीं नहीं नहीं, देखिए हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, मेरी बात ये, ठीक, नेशनल हेराल्ड पे, हेराल्ड पे हम बाद में कर लेंगे। सुन लीजिए कृपया, एंकर की तो सुन लीजिए। हाँ, नेशनल हेराल्ड पे हम बात कर लेंगे। हमारी बात ये है कि ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि भाई विपक्ष के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं किसी विपक्षी नेता के ऊपर, तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, एजेंसियां जांच करें, कोई एतराज नहीं है। मैं भी यहाँ बैठ के कोई नहीं करूंगा, विधायक तोड़ने के लिए। लेकिन सवाल सुनिए अतर जी, लेकिन सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे उस वक्त उनको तमाम सम्मन हुए, सुनवाई हुई, पूछताछ हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, आप उसका उस तब से वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं विपक्ष के पास, तो उस पे ये जवाब तो इस पे चाहते हैं, बताइए। जिसने कमल छाप साबुन से नहा लिया उसका अपराध, उसका भ्रष्टाचार भाजपा दबा देती है, इसीलिए करती है। तमाम तरह के टैक्सेस का बकाया, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का आरोप, ये उस नाते दबाते हैं, कराते हैं। हाँ, हरीश, हरीश जी, अब नईम साहब अब पूछ लीजिए। हाँ हरीश जी, हरीशचंद जी, आप बताइए। सरकारें बर्खास्त कर दिया करते थे आप तो। हमारा इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ है, हमारा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ है। आपका इतिहास क्या है? आपकी बपौती नहीं थी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में। सुनिए, शब्दावली 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 संसदीय रखिए, बपौती कहेंगे, मैं भी बढ़ चढ़ के बोलूंगा, शब्दावली संसदीय रखिए। नहीं साहब, बपौती शब्द देखिए, तो मैं बताऊं, आप तो माफी वीर थे, माफी मांग के भागते थे, कांग्रेस पार्टी के चाटुकार थे, कांग्रेस पार्टी के बपौती नहीं, हमने फांसियां झेली। बपौती शब्द, बपौती शब्द असंसदीय बोल रहे हैं आप। संसदीय नहीं है, कोई नहीं कह सकता। अरे जो आप कह दे, जो आप कह दे वो संसदीय, जो आप कह दे संसदीय, कोई नहीं कह सकता। आप अपने एंकर से देखिए, आप सुनिए, अरे सुनिए, आप लोग आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे, मैं सुनिए। हरीश जी, हरीश जी, हरी जी, देखिए बात यहाँ पर ये है, ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ क्या 5% कार्रवाई ईडी और सीबीआई करती है सत्ता पक्ष या उनसे जुड़े हुए दलों के खिलाफ। चैनल के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, जवाब सुनने धैर्य रखिए। हाँ आतर जी, अब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। हाँ हाँ, हरी जी, अब ये वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो संभव नहीं है ना कि इतने ज्यादा एक्शन जो हुए हैं और पिछले 5-10 साल जो यूपीए की गवर्नमेंट के बाद से, इतना ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस पक्ष का 95% है, इस पक्ष के 5% हो, वो ये प्रश्न उठता है। आपको लग रहा है कि इसका इस्तेमाल, आप एक नई परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि आप ही आरोप लगाते थे जब आप विपक्ष में थे, तो आप ही आरोप लगाते थे कि भाई ये गलत है। आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार की हिमायती बन जाएं,
भ्रष्टाचार चूंकि घोटालों की संस्कृति रही कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार की, तो 8 साल से ऊपर आप सुन लीजिए, अतर जी सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करे, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही थी, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवाद पे हमने जाने दी, आपने केवल नाट्य किया। चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मैं उनसे सवाल ले लूं, क्योंकि मैं दर्शकों के लिए भी फोन लाइन छोड़ता हूँ। शिवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। शिवानंद जी आपका स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हमारी पाठशाला में आकर के आप इस तर्क वितर्क क्यों करते हो? अगर ईडी कोई भी गुनाहगार, कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे बीच में है तो तुम उस गुनाहगार को बचाने के लिए क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हो, जिससे कि हमारा चैनल भी जो है, चैनल के एंकर भी हमारे परेशान होते हैं आपसे सवाल जवाब देने के लिए। आपको इस बात पे बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, झूठ का झूठ पानी का पानी होना चाहिए, कोई भी गुनाहगार हो। एक तो आप लोगों को नेता बेटा बनते, नीति तुम्हारी सही नहीं है, नीति देश के संविधान बाबा साहब ने मेट करने बिल्कुल सही बनाई, लेकिन तुम्हारी नीयत को कौन सही बनाएगा? आपकी नीयत अगर सही हो तो नीति या देश की कोई खराब नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाई थी उस पर आपको मानना पड़ता। ये मत करो भाईवाद भतीजावाद का मत दो, या रिश्तेदार या दोस्त का मत दो, न्याय में बंद को भी दंड देना समय हमारी संस्कृति में कहा गया है, तो ये गलत है आप लोगों का। बयानबाजी मत कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट टू मी, आप हमें बेवकूफ मत बनाइए। हमारे एंकर जो वहां पे बैठे, ये समाज के हमारे पाठशाला के गुरु है, हम ये सरकार पढ़े हैं, विरासत में मिला ज्ञान है, और स्कूल में हमने अपने गुरु को हासिल किया, इसलिए हमें चैनल के भी माध्यम से जो हमारे एंकर लोग है एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, मैं आता हूँ तुरंत लौट के आता हूँ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त है बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर, यूपी लाइव में देखें खबरों की चाल सुबह 10 बजे। किस विभाग या संस्थान को योग्यता की शर्तों पर है जरूरत, युवाओं को हम देंगे पूरी जानकारी। के न्यूज इंडिया पर देखते रहे रोजगार समाचार। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट, महा यूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल, दोपहर 2 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात ईडी सीबीआई के प्रयोग और दुरुपयोग पे हो रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। ब्रेक से पहले एक दर्शक ने एक सवाल किया था कि नीति के लिए नियत बहुत ज़रूरी है।
हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी हैं। शशिनाथ जी, देखिए आपने सुना बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, मैं ये जानना चाहता हूं कि दर्शक कह रहे थे कि भाई नीतियां तो अवेलेबल हैं, नीतियां हैं हमारे पास, लेकिन नियत नहीं है। और ये जो इनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो उसको आप सही तरीके से मान लीजिए या फिर दुरुपयोग कह लीजिए उसको, ये नियत से तय होगा। नियत अच्छी नहीं है और इसको आदमी अपने हिसाब से प्रयोग में ला रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है? क्योंकि इसके बाद ऐसा तो नहीं है कि किसी की स्थायी सरकार है, आगे की सरकारें आएंगी वो दो कदम आगे जाएंगी, क्योंकि यूपीए सरकार में भी ये कहा गया कि भाई ये लोग तोते का पिंजरा है और फलाना ढिमाका, तमाम तरह की चीज़ें कही गईं। आज की तारीख में वो एक कदम क्या चार कदम आगे निकल गए हैं, ये रिपोर्ट्स आंकड़े हैं, ये इसमें कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये तो नई परंपरा शुरू हो गई ना। मैं शिवानंद जी का जो बयान है या जो उन्होंने अपने जो उन्होंने कहा, एक उसका दर्द, अब वो जनता का नहीं, वो देश, देखिए हम या आप जो है मीडिया का, हम लोगों का काम यही रहता है कि इन लोगों को दिखाना, पूरे देश की भाषा तो हम लोग इनको दिखा नहीं सकते हैं। ये अतर नईम भाई या हरिचंद श्रीवास्तव जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, आपसे बताएं, ये कांग्रेस की ही देन है। आज जो इनको मिल रहा है वो इन्हीं का बनाया हुआ है, जो उसको जो ये सब किया है, तो उसमें तो अतर नईम साहब को याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी की, कांग्रेस में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सीबीआई ने पूरे देश में विपक्षियों को एकदम परेशान करके रख दिया था और बड़ा आंदोलन हुआ था सीबीआई को लेके जो है देश में। इंदिरा जी के समय में तो सीबीआई को लोग ये कह देते थे कि ये सीबीआई ना होके कांग्रेस पार्टी की जो है वो जो है, देखिए जब भी कोई सत्ता में रहता है और जब उसकी सरकार की जो एजेंसियां हैं अगर वो काम करती हैं तो विपक्ष सीधे आरोप लगा देता है कि ये सरकार के अधीन काम करती है। और लेकिन पहले क्या था कि पहले की जो अधिकारी थे वो थोड़ा सा वो देख के कुछ अपना समझ के करते थे, आज के अधिकारी क्या है वो ये भी नहीं है कि वो गृह विभाग से परमिशन लेते हो या बात के या उनके उनके ऊपर उनके ऊपर निर्देश आता हो कि फला जगह छापा मारिए फला जगह मत मारिए। ये एक अपना आपसे बताएं, एक आज की तारीख में इनका एक वो सेट हो गया है कि मैं अगर यहाँ छापा मार के इतना ये करता हूँ विपक्ष को अगर ये करूंगा तो सरकार मुझे जो है प्रमोट करेगी, बहुत अच्छा मानेगी और मेरी जो है आज की तारीख में हाँ प्रमोट करेगी। और रिटायर होने के बाद आप देखिए ईडी या सीबीआई से रिटायर और इस तरह की जो है संस्थाएं वहां के रिटायर अधिकारी आज की तारीख में जो है सरकार में समायोजित है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पे है, उनके पास बत्ती और नौकर और सब कुछ उनको सुविधाएं उनको मिल रही है। तो मात्र कारण ये आपसे बताएं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में ये शिवानंद जी की, शिवानंद एक व्यक्ति की बात ना करें, ये देश के आवाम की बात करें, ये दोनों लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। आप ये भी नहीं, प्रदेशों में भी इनकी किसी भाई एक दो प्रदेश में इनकी भी सरकार है और प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज की स्थिति जो है बड़ी खराब हो गई है कि यही हरिचंद श्रीवास्तव जी और कभी अन्ना जी को लेके इन्हीं की पार्टी। अच्छा, एक चीज शशिनाथ जी, एक चीज मैं आपसे, अब चूंकि आप कह रहे हैं शशिनाथ जी, देखिए अभी क्या था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितना तल्ख होके घेर रही थी सरकार को और मोदी जी को उन्होंने खुले तौर पर मंच से चुनौती दी कई बार, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में कल ही एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, ये दरअसल बीजेपी के दूसरे नेता हैं जो एक्शन ले रहे हैं। और ये जो उनकी तल्खी में तब्दीली आई वो आई, एक बड़ा छापेमारी हुई है पश्चिम बंगाल में उसके बाद, तो क्या ये तब्दीली का क्या लग रहा है आपको कि इसमें लग रहा है कि ममता बनर्जी को कि घेरा तगड़ा है, इसलिए अब आप बच के निकलने के लिए तरीका यही है कि आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए? अब देखिए सब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या सरकार चलाने वाला जो भी राजनीतिक पार्टी का मुखिया होता है, देखिए वो सबसे जो है आज की तारीख में क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक दल से या राजनीतिक कार्यकर्ता है कि जो नंबर दो का पैसा ना रखता हो। कोई भी व्यक्ति अगर ये बोल दे जो बड़ा पद पे बैठा हुआ है कि जो है, तो वो अपने दिल पे रख के बोले कि जो है मैं सही बोल रहा हूं,
कि मेरे पास नहीं, सबके पास रहता है। और आज के देखो ममता जी के बड़े अच्छे अच्छे जो है लोग जो है पकड़े गए जिन जिनके पास रहता था। और लोगों ने तो यहां तक नोटबंदी के बारे में आपसे बताएं, लोगों ने तो यहां तक सवाल उठा दिया था कि ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए, कंगाल करने के लिए नोटबंदी जो है किया था। अब जहां तक ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, देखिए इनके पास क्या है, कार्यकर्ताओं का, सोचने का, बुद्धिजीवियों का एक बहुत लंबा जो है, ये लोग हर वक्त चुनाव कहते हैं कि हर वक्त चुनाव के मूड में रहते हैं और विपक्ष से हर वक्त हर एक मुद्दे एक चीज एक आरोप लगता है। जी एक आरोप लगता है हरिचंद जी आपके ऊपर, एक आरोप लगता है आपके ऊपर। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगा मैं आपका शशिनाथ जी। एक तो ये शशिनाथ जी जो कह रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए हरिचंद जी, कि उन्होंने कहा भाई कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास ये सब नहीं है, कोई पीठ जो बड़े ओहदों पे बैठा हुआ है, हर आदमी इस तरह के उसमें है, बस ये है कि सामने तब आता है जब उसकी सरकार नहीं रहती। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में आप पे ये आरोप लग रहा है कि भाई आप सरकारों को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये सवाल तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कारण उसका यह है महज कि जब कार्रवाई होती है तो हर आदमी कोई ना कोई वोट देखता है कि किस क्या उसका हम बचाओ। तो सबसे आसान तरीका ये लगता है कि हम कह दें कि साहब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकली ये किया जा रहा है, इस नाते हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी जहां तक सवाल है जो शशिनाथ जी ने जो सवाल खड़ा किए, ये देखिए बहुत व्यापक विमर्श का विषय है और व्यापक विमर्श का विषय है और राजनीति लोकतांत्रिक जो 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 संसदीय प्रणाली है, शशिनाथ जी ने जो सवाल उठाया उस सवाल के घेरे में तो पूरी सिस्टम आएगा। हाँ, ये एक तो ये बहुत व्यापक विमर्श का विषय है, इस पे इतनी जल्दी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने जो बात कही उसके निहितार्थ भी अलग है और उन वो ये तो सभी राजनीतिक दलों के सभी पूरे सिस्टम के लिए एक चिंतन मंथन की बात है। लेकिन जहां तक रहा सवाल इसका कि आज के हालात पे जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल के मित्रों का जो आरोप है, मैंने तो आप बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि आखिर ममता बनर्जी जी आजकल नर्म हो गई हैं वो मोदी जी, आजकल बड़ा नर्म है ममता बनर्जी मोदी जी पे, क्या लग रहा है आपको? ये तो ममता जी ही बताएंगी इसके बारे में, तो वही बता आए हैं उसमें टीएमसी पे ज्यादा छापेमारी पड़ी है, क्या ये वजह तो नहीं है? देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई इस बात को झुठला सकता है क्या कि पार्थो चटर्जी जी के यहाँ जो नोटों का ढेर मिला वो क्या गलत है या कोई मैजिक है? नईम साहब एक आरोप लगाया शशिनाथ जी ने आपके ऊपर और उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो शुरू हुआ ये आपने ही किया, आप लंबे वक्त तक देश पे शासन में रहे, सत्ता में रहे, आपने सीबीआई का दुरुपयोग शुरू किया, आपने ईडी का दुरुपयोग शुरू किया और अब बीजेपी अगर उसको अपने तरीके से कर रही है, अब उसको आप घेरे में ले रहे हैं तो ये गलत है, ये तो सत्ता में अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं, शुरुआत तो आपने ही की तो दोषी तो आप भी हैं उतने ही। जी मुझे क्या आप 2 मिनट का समय देंगे? बिल्कुल 2 मिनट, 2.5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। चलिए धन्यवाद। आदरणीय दुबे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं निजी रूप से इनको जानता हूँ, बहुत सम्माननीय हैं। इन्होंने एक बात उठाई थी कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब हमने विपक्ष के नेताओं पर, जब 416 तो हम जीते थे और हमारे कुछ सहयोगी थे 450 के लगभग माना जाए, तो बचे ही कितने थे विपक्षी, और विपक्षी क्या अटल जी और अडवाणी जी पर कोई केस कभी किया गया सीबीआई से या किसी से? वो जो कहीं ना कहीं सीआईए वगैरह से जुड़ने की बात थी उनकी बातें पुरानी हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए 1% भी हमने कल गलत किया, भाजपा ये उदाहरण बहुत देती कि आपने ये किया था और हम आज कर रहे हैं, तो हमने अगर कल गलत किया तो आप तो सुधार की बटी खा के आए थे, आपको तो सुधार की और अच्छाई की
परिपाटी रखनी चाहिए। अरे हरीश जी, हरीश जी आप बोलिएगा फिर वो कहेंगे। साढ़े आठ साल प्लीज 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 बोलने। देखिए मैं आप जब बोल रहे थे मैं बोला नहीं। नहीं नहीं आप बोलिए, आप ढाई मिनट इन्होंने दिया आप खा गए, मेरा आधा मिनट खा गए आप। नहीं नहीं बोलिए, मैं ये निवेदन कर रहा था, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर हमने गलत किया, मान लीजिए पहली बात तो किया नहीं, तो ये भी गलत से गलत को धोएंगे, गलत करेंगे, निश्चित रूप से नेशनल हेराल्ड केस में हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता। साढ़े आठ साल ढूंढते 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 इन्होंने कहा लाओ इसमें बदनाम कर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जहां जहां जिन जिन प्रांतों में ये विधायकों को तोड़कर लाए, एकनाथ शिंदे का ही ताजा उदाहरण ले लीजिए, और भी अभी कर रहे हैं और आगे पीछे भी किया इन्होंने, कि वो विधायक बिल्कुल उनका बंद हो जाता है, कोई भी कार्रवाई उनकी समाप्त कर दी जाती है और वो कमल छाप साबुन से धुल के आके साहब बहुत अच्छे हो जाते हैं। हजारों हजारों गुना इनके नेताओं की आमदनी बढ़ी है। अरे इनके व्यापारी सहयोगी अडानी की आमदनी जितनी बढ़ी है कैसे बढ़ती चली गई, व्यापार तो बहुत साल से कर रहे थे। ये क्या जनता समझ नहीं रही, जनता सब समझ रही है, समय आने पर जनता आपको जवाब देगी और वो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी जी की पद यात्रा से भाजपा को बौखलाहट। आप हरीश चंद्र से जवाब ले लें इसका, अतर साहब बिल्कुल। हाँ, मैं सुनूंगा। हाँ अब जी जी, अब हरीश जी आप जवाब दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर चलो ठीक है हो रहा था तो आप क्या गलत से गलत सही करेंगे? आप नहीं, गलत से गलत नहीं, हम सही से सही को गलत को सही कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसको, नहीं ना खाने दूंगा तो कर दिया सबको। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी वो जारी रहेगी। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ, आप ये भी तो देखिए हरिचंद जी, वो ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन बढ़ा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, लेकिन अगर अपराध चलिए इतना तो स्वीकार समाप्त हो रहा है तो क्या अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए? लेकिन वो सिर्फ एक और दूसरी, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है ना, वही तो यही तो आरोप है इन लोगों का। जहां तक नेशनल हेराल्ड केस की बात है, ये देश 5,000 करोड़ का हिसाब चाह रहा कि कांग्रेस पार्टी ने और रकम बढ़ा के, जो फर्स्ट फैमिली है इसने 5,000 करोड़ क्या किया? लेकिन उसमें भी मैं यहाँ पे मेरा सवाल है, यहाँ पे मेरा सवाल है, मैं 2014 से पहले रॉबर्ट वाड्रा के मामले में इतना हंगामा हो हल्ला हुआ, अब पूरा देश ये कह रहा है कि भाई आप उनको क्यों नहीं पकड़ पाए, उनको जेल में डालते अगर उन्होंने गलत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो मामला ठंडा पड़ गया, आज नाम नहीं लेवा कोई उनका। जी आप मुझे बताइए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात पूछ रहा हूं, पूछिए कि इतनी लंबी जांच पड़ताल के बाद जब इनको ईडी ने समन किया तब तो इतना हंगामा। अरे हंगामे गलत तो गलत है, हंगामा होगा क्या है, मतलब अगर वो रॉबर्ट वाड्रा सोनिया जी के दामाद है तो क्या उनके खिलाफ आरोप नहीं लग सकते या उनको जेल नहीं भेजा जा सकता, प्रधानमंत्री को भेजा जा सकता है अगर वो गलत है तो? हिंदू संविधान में तो ये है ना कि भैया गलत तो गलत, अगर वो गलत थे तब गलत थे तो अब सही कैसे हो गए, हंगामे से क्या मतलब है? हरी जी शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। शशिनाथ जी दोबारा से देखिए, हरी जी का नेटवर्क आ जाए। शशिनाथ जी एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अब ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होती है। इसमें वो सुनाइए जो रिलेवेंट, कुछ नेटवर्क का इशू है, देखिए जरा जो बात आप ईडी पर बात करिए, उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी नहीं आए को वो पद यात्रा की याद आई केवल इस नाते कि ईडी और सीबीआई के सामने जब आप भारत की जनता में द्वेष और नफरत तो करेंगे तो कांग्रेस कर रही है ऐसा, भारत को जोड़ने का काम। जिन्होंने नेहरू फैमिली को ही भारत मान बैठा था, जो अरे अब तो वो गैर गांधी अध्यक्ष ला रहे हैं, अब तो हरिश्चंद्र जी आपने कर दिया ना, अब तो शशिनाथ जी चरित्र उसमें कोई छिपा नहीं है, वो एक तरह का होता नहीं है। 1989 से 2022 कितने वर्ष हो गए? देखिए सत्ता किसी की भी हो, हाँ, मैं दुबे जी को सुनना चाहता हूँ जी। सत्ता किसी की हो, सत्ता किसी की भी हो, जब सत्ता पे जब बैठते हैं तो इनके अगल सत्ता के अगल बगल जो अधिकारी होते, देखिए बताए सत्ता से इनको, जैसे भी हरिश्चंद जी ने कहा कि मोदी जी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है उनके ईमानदारी पे, हाँ देश का क्या विश्व का कोई भी व्यक्ति जो है मोदी के ईमानदारी पे उंगली नहीं उठा सकता है,
लेकिन उनके अगल बगल अगर किसी अधिकारी के ऊपर किसी तरह की उंगली अगर उठती है तो वो मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो निश्चित उनके ऊपर उंगली उठेगी। आप आइए प्रदेश में, किसी भी प्रदेश का में अगर कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर उसके डीएमके ने किया था तो सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते थे उंगली उठती है। हाँ लोग, ये लोग नहीं, उसके बाद मैं आ रहा हूं वहां पे। नईम जी ने अभी ये कहा, नईम जी मैं आप ही से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब ये ईडी को अधिकार देने की बात आई थी, आप ही की सरकार थी जब ईडी को अधिकार देने की बात आई थी, आज ईडी के पास आप लोगों ने इतना अधिकार दे दिया। ईडी किसी भी व्यक्ति के घर में घुस के, जिसने भी जमीन खरीदा हो, जिसने भी कोई सौदा किया हो, किसी को नोटिस भेज के, जी दुबे जी आप सम्माननीय पत्रकार हैं, किसी से भी वो पूछ सकती है। आपसे बताएं कि हमारे मीडिया, मेरी भी सुन लीजिए, अगर अधिकार देना और उसका दुरुपयोग करना समान नहीं है? ये दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। देखिए ईडी को लोग दूसरे ढंग से लेते हैं। कोई भी लेन देन अगर आप करते हैं जो है या कहीं से, तो उसमें आप ईडी की निगाह अब रहती है, क्या आप अधिकार कार्ड से जुड़ चुके हैं, पैन कार्ड से जुड़ चुके हैं, हर एक लेन देन रहती है, जहां भी उसको कोई शंका होता है, हाँ शंका होती है तो ईडी उस पे उसमें ईडी नोटिस देती है। एक आदमी सुन लीजिए, एक आदमी बोल ले, आप शशिनाथ जी आप बोल लीजिए, उसके बाद में नहीं हिसाब से। हाँ जी शशिनाथ जी बोलिए। और आपसे बताएं ये सब बातें रही, आप हमारे जो है वरिष्ठ, हमारे वरिष्ठ जो है नेता है बीजेपी के हरिचंद श्रीवास्तव जी, हम लोग इनसे बहुत दिनों से मिलते रहे हैं, बहुत ईमानदार छवि इनकी भी रही है उत्तर प्रदेश में और है भी जो है, और ये भी व्यक्तिगत रूप से जब हम लोग मिलते हैं तो चर्चा भी करते हैं कि जो है, तो पर्दे के पीछे क्या चर्चा होती है, ऑनलाइन क्या चर्चा होती है वो अलग बात है, लेकिन जहां तक दुरुपयोग की सरकारी संस्थाओं के या अधिकारियों की दुरुपयोग की बात है, वो हर एक जगह करती है। अभी आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए कांग्रेस जो है के सरकार में, वहां के अधिकारी के ऊपर आरोप लगता है कि विपक्ष के ऊपर कर रहे हैं। देखिए अधिकारियों की भी मजबूरी है, इसमें अधिकारियों की भी मजबूरी भी समझना चाहिए। मैं ना कांग्रेस का बचाव कर रहा हूं और ना भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहा हूं, लेकिन अधिकारियों की भी मजबूरी रहती है, अगर वो ना करें। आपने एक बात कही शशिनाथ जी, आपने एक बात कही कि अधिकारी ये सब, आपने एक बात कही कि अधिकारी ये सब आजकल इसलिए भी करने लगे क्योंकि उनको लगता है कि भैया रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को कैसे सिक्योर किया जाए। अरे विनोद राय जी का उदाहरण सबसे नहीं, नहीं, होता है, होता है, देखिए कहीं नहीं, यही नहीं को सेट करके किया गया, दिख गया नहीं कई जगह, देखिए वो, देखिए किसी, देखिए हम लोग चैनल पे हैं, हम लोग मीडिया से जुड़े हुए, हम किसी का नाम ऐसे नहीं ले सकते हैं ना, वो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जो है अभी आप देख लीजिए, आप चले जाइए कलकत्ता में, कल से तो ये कहा जा रहा है, नहीं नहीं अभी अभी वो ममता जी का बयान आया था कि मोदी जी के बारे में बड़ी ममता जी नरम हो गई हैं, तो आज कल अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि दीदी जी और बहन जी दोनों तो मोदी जी के नजदीक जा रही हैं, अब तो बल्ले बल्ले 2024 तो ये सब तो देखिए ये तो जनता अच्छा, की बात अभी जो आंकड़े हैं, हमको बात करनी है, अभी जो रेड के आंकड़े हैं आप देखिए कि टीएमसी पे 30 रेड पड़ी है एनडीए सेकंड में, 30 आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस पे 26 हैं, तो जिन पार्टियों पे ज्यादा रेड पड़ी वो उतने ही करीब हो जाते हैं सत्ता पक्ष के। और कांग्रेस ना हुई है उतने करीब नहीं, आप आज देखिए रेड नहीं पड़ी है, आप नहीं, आपको बताएं नोएडा में एक रेड पड़ी थी, जी 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 जी, नोएडा में एक रेड पड़ी थी, पूरी जनता जानती है, नोएडा में एक ईडी और सीबीआई दोनों की रेड पड़ी, हाँ खबरें आई, खबरें दबाई गई, उसके बाद से एक पार्टी की बहन जी जो है आज तक बोलती नहीं है। हाँ क्या हरिश्चंद क्या कहा जाएगा इसके बारे? इसका जवाब दीजिए, नहीं अब इसका जवाब हरिश्चंद जी देंगे, हरिश्चंद जी बताइए। नहीं अब उसी तरह हमारी बहन जो है ये एक दीदी भी नहीं बोलती, अब बहन जी भी बोल जो है बोलना बंद कर, देखिए ये तो है। इसी तरह से आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में, इंदिरा जी की जो सरकार थी उस समय अगर विपक्ष का कोई भी जो है राजनारायण जी को एक पैर कहा जाता था, उनका एक पैर जेल में,
एक पैर बेल में। तो देखिए सरकारी ये सब रहता है, तो ये टोटल हमें अधिकारी हाँ आंदोलन करने वाले थे, आंदोलन क्यों कर इसीलिए करते थे, लेकिन उस समय के आंदोलन आज के आंदोलन में नेताओं में फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरिश्चंद्र सिंह जो है हमारे बहुत सीनियर जो है नेता है, बहुत जो है। और उस समय आपसे बताएं कि यही कांग्रेस इंदिरा जी ने जो है चौधरी चरण सिंह को सरकार जो है प्रधानमंत्री बनाया, और चौधरी चरण सिंह के सरकार में आते ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष पे कितनी जांचें शुरू हो गई थी वो चाहे कहीं का भी हो। और वही जो इनके कांग्रेस के जो नजदीकी जो नेता हुआ करते थे या उद्योगपति, उनकी तरफ कहीं कोई जांचें नहीं होती थी। यहां तक कि आपसे उस समय आरोप उद्योगपतियों ने लगाया था, पिछले भी सरकार में अभी लगाते हैं कि उन उद्योगपतियों की भी जांच होती है जो पार्टी नेताओं को जो चंदा नहीं देते। यहां तक लोग जांच करते हैं, बात करते हैं हम लोग मीडिया कर्मियों से कि यही सर जो है विपक्ष के आज की तारीख के सत्ता में आते ही जो है ये पार्टियां जो है कोई भी स्टेट की पार्टी छोटी सी पार्टी ले लीजिए, सत्ता में आते ही वो उसके पास अचानक पता नहीं कहां से धन आ जाता है। आखिरी सवाल है मेरा शशिनाथ जी, जाने के बाद उसके पास शशिनाथ जी मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि अब हमें खत्म भी करना है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये तो ठीक है आपने बताया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान, यूपीए और एनडीए की सरकारों के दौरान जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से होता रहा, आपने बड़ा उदाहरण देके बड़े करीने से कायदे से बताया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इन वजहों से इन जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता इतनी खतरे में पड़ गई है कि अब एक आम आदमी भी अगर आप गांव देहात में भी जाएं तो वहां भी आदमी इस तरह से ट्रीट करता है कि ईडी सीबीआई मतलब ये कुछ नहीं, वो सरकार की एक कोई विंग है, ये तो स्वतंत्र जांच एजेंसियां थी। बहुत संक्षेप में बताइए। मैं बताऊं कि इसके देखिए आप अब मैं इसमें थोड़ा संक्षेप में नईम जी को और हरिचंद श्रीवास्तव जी को दोनों को जी। मात्र एक जैसे चावल में एक दाना निकाल के पूरे चावल का देखा जाता है, उसी तरह से अभी हमारे दर्शक थे शिवानंद जी, उनकी भाषा और उनका उत्तेजना या उनकी बात को समझ के इनको समझना चाहिए कि हमारे देश की जनता आज क्या कह रही है। मात्र यही है कि सरकारी एजेंसियों को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और काम करती है, लेकिन उस जगह पे आप जाइए हर एक जगह भ्रष्टाचार है। अगर आप नईम साहब अतर नईम साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, आज जनता बार बार हर जगह कह रही है कि ये ईडी और सीबीआई सरकार मोदी सरकार केवल और केवल कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस को तोड़ने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये जनता कह रही है। और बहुत बड़ा अंतर अब 2024 में नजर आएगा। हाँ हरिश्चंद्र जी देखिए कांग्रेस कोई विपरीत कमेंट करेंगे मुझसे जवाब ले लीजिएगा कृपया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस अपने कर्मों से टूट रही है। कांग्रेस ईडी और सीबीआई का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ बहुत हुआ, अमित शाह जी के भी खिलाफ बहुत हुआ, कांग्रेस की मनमोहन सिंह की पूरी सरकार में जितना कुछ उनके खिलाफ कर सकते थे वो किया, लेकिन जनता जिसके साथ खड़ी होती है और जिसमें सच्चाई होती है वो इन सब परीक्षाओं से बाहर निकल नहीं। आप ये मेरा तो, ये मेरा वैसा प्रश्न है, कांग्रेस को तोड़ने में थैली शाह डंडा शाह का रोल है, है ये, और प्रलोभन ये जनता कह रही है, खरीद लिया हर एक कह रहा हर कमजोर तो आप कहता आप हमको कमजोर कहना चाहते हैं, यानी जनता के मैंडेट को अहंकार कह रहे हैं। अहंकार नहीं। आपको अगर मिल गया है दो सीट से आज आप सत्ता में हैं, तो ये आपको अहंकार है कि आप विपक्ष को कमजोर कहें। नईम साहब आप खरीद के तोड़ते हैं श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, जनता ऐसे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती, वो चाहे आप हूँ चाहे मैं। जनता की वर्तमान चर्चा आपको सुनाई नहीं दे रही सत्ता के चकाचौंध में, आपको उसकी गरीबी महंगाई बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है। लंबे अरसे तक कांग्रेस को परखा जनता ने, 1100 रुपए से ऊपर सरेंडर कर दिया आपने। हाँ एक दर्शक है हमारे साथ, आप तीनों का बहुत तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े, शशिनाथ जी और अतर नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। एक दर्शक है हमारे साथ, उनको मैं सुन लेता हूँ।
प्रेम चेन्नई से। प्रेम बताइए क्या कहना चाहते हैं, स्वागत है आपका। प्रेम हेलो, हाँ अगर आवाज आ रही है आपके पास प्रेम तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपने फोन किया, स्वागत। प्रेम नहीं, मैं कृपा शंकर। हाँ मैंने फोन किया। हाँ हाँ कृपा शंकर जी बताइए, आप काफी देर से मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे हैं। जी जी बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा जी। बताइए बताइए। केलूस को बधाई दूंगा कि आज बहुत ही अच्छे विषय पर आपने डिबेट रखी है। मेरी मेरी एक छोटी सी बात है कि यूपीए और एनडीए में एक बेसिक फर्क है। यूपीए की 2014 में जब सरकार बनती है तो चिट्ठी घोटाले से लेकर के पिछले साल राफेल घोटाले के तमाम सारे आरोप लगते हैं, लेकिन यूपीए ने एनडीए ने एक ये नियम बना रखा है कि उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को उन्हें तवज्जो नहीं देनी है। जबकि यूपीए की सरकार में जब ये सारे आरोप लगते थे, चाहे वो सुरेश कलमाणी से लेकर के पवन बंसल से लेकर के अश्विनी कुमार से लेकर किसी पे कोई आरोप लगा, इवन किसी ने मीटिंग तक बुला ली, तो उनके इस्तीफे मनमोहन सिंह जी ने लीड हुए थे। ये इनमें बेसिक फर्क है। अच्छा। अब मैं दूसरी बात ये कहूंगा, अगर हरिश्चंद्र जी हो आपके साथ डिबेट में तो मेरे एक आधे सवाल है उनसे, और मेरे सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है। वो चले गए हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप पूछ सकते हैं, मैं पूछूंगा। मेरा सवाल ये है आपके चैनल के माध्यम से कि देश के गृह मंत्री के बेटे के ऊपर एक आरोप लगता है कि उसके बैलेंस शीट में 80 गुना रकम 50,000 से 40 करोड़ की किस बिना पे हुई, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरी चीज ये है, हेमंत विश्व शर्मा जैसा आरोपी शारदा चिट फंड का जिसपे ईडी इतनी करके जांच कर रही थी, आज इन्होंने उसे मुख्यमंत्री बना रखा है। तीसरी मेरी बात ये है कि ये नारी अस्मिता की सबसे ज्यादा बात करते हैं, और बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने जेल से रिहा करवाया, उसके बाद में फूल माला डाल करके मिठाइयां बांटी, तो इनको क्या शर्म नहीं आती टीवी चैनल में आकर के इस तरीके से झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना? ना ये नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना चिकित्सा। कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी देखिए, एक बार ऐसे ही डिबेट के दौरान एक हमारे दर्शक थे चेन्नई से, उन्होंने ऐसे ही सवाल किया था, तो बीजेपी के हमारे साथ जो उस दिन प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था कि आप विपक्ष की तरह बोल रहे हैं, तो आप अगर अभी होते हरिश्चंद्र जी तो हो सकता है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं उसमें ये लगता है कि ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, ये एक आरोप लगता है। खैर आपकी बात आ गई है, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फ़ोन किया, इतनी देर तक इंतज़ार किया, और ज़रूर मैं अगली बार जब ये हमारा कार्यक्रम होगा और उसमें होंगे अगर हरिश्चंद्र जी तो उनसे मैं सवाल करूँगा, या बीजेपी के किसी और प्रवक्ता से सवाल करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शकों का भी ये प्रश्न है और हमारा भी ये प्रश्न है कि ये स्वायत्त जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, इनकी अपनी एक साख है, और साख है, साख बनाए रहे रखी जाए, इसीलिए इनको बनाया गया था कि देश में भ्रष्टाचार ना हो। और अगर इसका इस्तेमाल चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अपने फायदे के लिए करेंगे तो धीरे धीरे करके इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, और फिर आम आदमी भी इस पर भरोसा नहीं करेगा, जैसे आज के दौर में हो गया है। और आप जो फोन कॉल्स आए उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की विचारधारा के लोगों के फोन थे, लेकिन सच्चाई इसमें यह भी है कि जो आंकड़े बताते हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आंकड़े देखकर, नंबर्स देखकर आंखें बंद नहीं कर सकते, और अगर आप नंबर्स देखें तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि जो भी एक्शन लिए गए उसमें विपक्ष या विपक्षी पार्टियों के लोग ज्यादा थे, और ज्यादा इतने थे कि उससे पूरा का पूरा सिस्टम समझ आ जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि इन विभागों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार को खुश करने की नीयत से भी चीजें करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़े खतरे की घंटी बन सकता है। लिहाजा ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखें, इसमें जो लोग काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, जो इसको हेड करते हैं, वो इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए मेहनत करें, काम करें, न कि सरकारों को खुश करने के लिए। और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, चूंकि कोई भी नेता जब किसी पद पर जाता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान द्वारा बनाई गई किसी भी संस्था का ख्याल रखे, न कि अपने लोगों का ख्याल रखे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, धन्यवाद।